आज हम यूनिक तरीके से चटपटे मसाले के साथ बहुत ही टेस्टी और मजेदार छोले मसाला और पूरी बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला और पूरी। सॉस पैन में 2 कप पानी डालेंगे, 2 टीस्पून चाय की पत्ती डालेंगे, पानी को उबलने देंगे। 250 ml कप का माप से 1 कप काबुली चना लिया है, इसे पानी में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के ओवरनाइट भिगो के रखा है और चना अच्छे से भीग गया है। ये बेकिंग सोडा वाला पानी निकाल देंगे और एक बार इसे साफ पानी से धोएंगे। चाय में 1 उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे। चाय का पानी रेडी है, इसे छान लेंगे। कुकर में छोले डाल देंगे, एक बड़ी इलायची को ऊपर से खोल के लिया है, 2 छोटी इलायची को भी ऊपर से खोल के लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग डालेंगे, 1 मीडियम साइज का आलू का छिलका निकाल के लिया है, ये अंदर रखेंगे। चाय का पानी हमने बनाया है ये डालेंगे, चाय का पानी पूरा अंदर डाल देंगे, 1 कप सादा पानी डाल देंगे, 1 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके तेज आंच पे 1 सीटी और आंच धीमी करके 5 से 6 सीटी तक कुक करेंगे। 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, 5 लहसुन की कली और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे मिक्सर जार में डाल के फाइन पेस्ट बनाएंगे। अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट बना के रेडी कर दी है, इसे बाउल में निकाल लेंगे। 3 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे भी मिक्सर जार में डाल के फाइन पेस्ट बनाएंगे। कुकर ठंडा हो गया है तो खोल के देख लेंगे, इसमें से खड़ा मसाला निकाल लेंगे। चना बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, आलू हमने डाला है, इसे हम मैश कर लेंगे। इस तरह से आलू को मैश कर दिया है, इस तरह से आलू डालने से ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, जीरा को लाइट ब्राउन भुनेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट बनाई है ये डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के भुनेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून छोले मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून पंजाबी गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है, ये सब अंदर डाल देंगे। अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। 1/4 कप पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। टमाटर की पेस्ट बनाई है ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के टमाटर की पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे। तेल सेपरेट हो जाए तब तक टमाटर की पेस्ट को 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया है। मिक्सर जार में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के ले लिया है, ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। छोले हमने बॉईल किया है, ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। कुकर में 1 कप पानी डाल के ले लिया है, ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। ग्रेवी आपको कितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल के मिक्स कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक हमने छोले को कुक किया तभी डाला था, अभी मैं 1 टीस्पून और डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। छोले में 1 उबाल आ जाए तब तक इसे ढक्कन लगा के कुक करेंगे। छोले में 1 उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे और धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए इसे उबालेंगे ताकि मसाले का अच्छा फ्लेवर छोले के अंदर आ जाएगा। इसे 5 मिनट धीमी आंच पे कुक किया है, गैस ऑफ कर देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाथ से थोड़ी क्रश करके डालेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर देंगे। छोले के ऊपर 1 तड़का डालेंगे, तड़का पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी गरम करेंगे, 8 से 10 अदरक जुलियन डालेंगे, 2 हरी मिर्च,
इसे लाइटली भुनेंगे। आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, गैस ऑफ कर देंगे। एक तड़का छोले के ऊपर डाल देंगे। एकदम टेस्टी छोले बनके रेडी हो गए हैं। पूरी के लिए डो बनाएंगे। एक कप गेहूं का आटा लिया है, इसे छन्नी में डाल देंगे। इसे छान लेंगे। 2 टेबलस्पून चिरोटी रवा डालेंगे, बारीक वाली सूजी। आधी टीस्पून नमक डालेंगे, यह नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चीनी का पाउडर मिक्स कर देंगे। चीनी का पाउडर डालने से पूरी का कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून तेल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के डो बनाएंगे। दूध डालने से पूरी एकदम सॉफ्ट बनेगी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जरूरियात के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के डो बनाएंगे। आपको सिर्फ दूध डालना है तो दूध डाल के भी डो बना सकते हैं। अच्छे से मसल के एकदम स्मूथ बनाएंगे। आधी टीस्पून तेल डाल के आटे को चिकना कर लेंगे। मीडियम सॉफ्ट डो बना के रेडी किया है। ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आटे को रखे 10 मिनट हो गई है। इसे थोड़ा मसल लेंगे। एक ही साइज की लोई बनाएंगे। लोई को चपटा कर लेंगे। आपको जितनी साइज की पूरी बनानी है उतनी छोटी या बड़ी लोई बना सकते हैं। पूरी बेल लेंगे इस तरह से, मीडियम पतली पूरी बेलेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें पूरी डाल देंगे। नीचे से थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाए तभी पलट लेंगे इस तरह से, और पूरी को तेज आंच पे ही फ्राई करना है। ये हो गई है तो इसे निकाल लेंगे। चीनी डालने से इस तरह का लाइट ब्राउन कलर आएगा पूरी के ऊपर, कितना सुंदर दिख रहा है। इस तरह से बाकी की पूरी को भी फ्राई करेंगे। निकाल लेंगे। मसालेदार छोले और पूरी बनके रेडी हो गया है। पूरी एकदम नरम मुलायम और मुंह में घुल जाए ऐसी बनी है। इसके साथ में मैंने लच्छा प्याज, हरी चटनी, पापड़ और अचार सर्व किया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।